मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। आपको पता है मम्मा, दादी की कितनी तबीयत खराब है। डॉक्टर बता रहे हैं कि उनका कैंसर एक्टिव होता जा रहा है। आप उनकी बेहतरी के लिए दुआ करें और मेरी शादी को भूल जाएं। जारा, दादी की तो बेटा अब एज हो गई है, फिर उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, अब बीमारी भी उनको ऐसी हो गई कि हम तो सब मेंटली तैयार हैं। अल्लाह मियाँ रमजान की बरकत से हम सबकी इबादतों को कबूल करें। 100 नफिल हो गए माशाल्लाह से, 1.5 पारा हो गया। पापी, मुझे जारा की बहुत फिक्र है, वो तो शादी के नाम से भी चढ़ती है। दिन रात वजीफे पढ़ रही हूँ, नमाजों में इतनी दुआएं मांग रही हूँ, और जो करीबी दोस्तें थी उनसे कहा तो वो तो कुरेदने लग गई, मंगनी क्यों टूटी, लड़के में क्या ऐप था, यहाँ तक के ये भी कह दिया मुझे कि तुम्हारी तो नंद भी आजकल आई हुई है। खैर, मैंने उनसे कह दिया है कि तुम तो अम्मी की बीमारी की वजह से आई हो, ईद से पहले चली जाएगी। चलो भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, तुम भी जाओ सो जाओ। आती, तुम फजर की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़कर आए हो? जी नहीं। क्या हो गया तुमने? ताक रात की इबादत को तुमने ऐसे ही जाया कर दिया? मेरे खुदाया, मैंने तुम्हें अमेरिका से इसलिए बुलाया था कि तुम अपना वक्त फजूल की चीजों में जाया करो, ना कि इसलिए कि तुम इबादत में मशगूल रहो। हाँ, रोजे रखूं, नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, फराइज अदा करूं, सब कुछ तो कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि माँ बाप की पकड़ होती है अगर उनकी औलाद दीन से दूर हो जाए तो फिर तो आपने अपने पकड़ के खौफ से मुझे पाकिस्तान वापस बुलाया ना। आतिफ, ये अहमियत है तुम्हारी नजर में माँ बाप की बात की? मैं तुम्हें दीन की तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी माँ होने की हैसियत से, और तुम अपनी माँ की ही बातों की हंसी उड़ा रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं नमाजें भी पढ़ा, रोजे भी रख रहा हूँ और अपने फराइज भी पूरे कर रहा हूँ मामा। आतिफ, तुमने ताक रात यूं ही गवा दी, तुम इबादत करने के लिए नहीं गए, पता नहीं कहां अपना वक्त जाया कर देते हो तुम। अपने बाबा से ही कुछ सीख लो, तुम्हें पता है वो फजर की नमाज वहां से पढ़कर लौटे, सारी रात वो एक लम्हे के लिए भी मसल्ले से नहीं उठे। इतने दीनदार बाप के बेटे होने के बावजूद तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? उनसे ही कुछ सीख लो, वो सारे दुनियावी काम छोड़ के इस अशरे के हर फर्ज को पूरा करने में मशगूल हुए हैं। जी ठीक है, आपने सब छोड़ के, अपनी माँ को भी छोड़ के वो पूरी रात मस्जिद में अपने रब को राजी करते रहे हैं। आती, उन्होंने अपनी माँ को लावारिस नहीं छोड़ा, उनकी खिदमत के लिए एक परमानेंट नर्स रखी हुई जिसे वो एक्स्ट्रा पैसे देते। जहां तक सवाल उठता है डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल का, तो वो सारी सहूलियात घर पर ही मौजूद है, इससे आगे क्या चाहिए मम्मी को? जुनैद, आपको पता है वो सिर्फ बाबा का नाम पुकारती रहती हैं, उन्हें अपना बेटा चाहिए। आती, उनकी आदत है, तुमने देखा नहीं है कि वो कितनी बीमार है, दिन ब दिन अपनी याददाश्त भूलती चली जा रही है, अब कुछ नहीं याद रहता उन्हें, सब कुछ भूल चुकी हैं वो, सिवाय जुनैद के। देखो, ये बीमारी है, उनकी ऑब्सेशन है, जाहिर सी बात है अब बेटों और बहुओं पर उनका बस नहीं चलता, तो और क्या करेंगी अटेंशन सीक करने के लिए। ठीक कहा आपने, बस ही तो नहीं चलता उनका, बिल्कुल बेबस है। ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दो बेटे मौजूद हैं, जो उनके लिए हर चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तुम इन चीजों की फिक्र मत करो। हाँ तो क्या करूं बताएं, दादी को अकेला छोड़ दूं? आपको पता है पूरी रात अस्पताल में वो बाबा का नाम पुकारती रही और कितनी बेचैन रही हैं।
अब मैं उनके बेड के साथ खड़ा पूरी रात ताक रात के नवाफिल अदा करता रहा और उनका हाथ पकड़ के वो फर्ज अदा करता रहा जो उनके बेटों का मेरा नहीं है, जो कि अपने फराइज और नवाफिल में कंफ्यूज्ड। तुम्हें क्या लगता है कि क्या उनके बेटों ने उनके लिए कोई दुआ नहीं की होगी इन ताक रातों में? खुदा ना खास्ता अगर कल को मैं इस हाल में पहुंचू तो। खुदा ना करे मामा, खुदा कभी भी ना करे कि आप उस बेबस हालत में हो और मैं एक नर्स के हवाले करके आपको अपनी ताक रातें निभाऊं। ये सब जज्बाती बातें, दावे, जब कल को ऐसा वक्त आए तो सबको अपनी पड़ जाती है। सारे अपनी बख्शिश के लिए अपने कामों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इस वक्त सबको वाकई अपनी पड़ी हुई है। जिस जन्नत को पाने के लिए वो पूरी रात मस्जिद में सजदे करते रहे ना मामा, मैं उस जन्नत के पैरों के करीब पूरी रात नवाफिल अदा करता रहा। अब अल्लाह ताला इस फजीलत के अशरे के एवज मेरे गुनाह भी माफ कर दे। मामा आई वांट टू स्लीप, प्लीज लाइट बंद कर दे। थैंक यू। ओए मां, पिंकी जी क्या हो गया? आज बालाजी तो काफी देर से सो रहे हैं। माशाल्लाह, ताक रात थी, पूरी रात इबादत की है। एक्सक्यूज मी पिंकी जी, ये ताक रातों का जो फैशन है ना, अमीर कोठी वालों का है। सारी रात एसी वाली मस्जिदों में इबादत करते हैं, फिर सारा दिन एसी वाले कमरों में सोए रहते, फिर उठकर 10 किस्म की डिशें रखते हैं अफतारी के लिए। ताक रातें तो सिर्फ हम गरीब लोगों के लिए। कैसे बोल लेते हैं आप इतना? 21वां रोजा है, वैसे ही बंदा जो है ना बस हो जाता है। आप मुझे देखें, मैं कितना चटर बटर करती थी, अब जैसे अशरे गुजरते जा रहे मेरी चटर बटर कम होती जा रही है। पिंकी जी देखिए, मैं जज्बाती आदमी हूँ, जैसे जैसे अशरा गुजरता है ना तो मेरे जज्बात बढ़ जाते हैं। और हाँ, ईद पर अगर मुझे पेमेंट ना मिली ना तो मैं पक्का एहतिकाफ में बैठ जाऊंगा। ओए मां, लग रहा है आपको ना आपकी अम्मी याद कर रही है। नहीं जी, मेरी अम्मी याद नहीं कर रही, मुझे याद करा मकान का किराया, बिजली का बिल और मेरे भाई का ईद का खर्चा, और तो और मेरी भाभी के पांचवें बच्चे की डिलीवरी का बिल भी। अगर ये सब ना मिले ना तो मैं करता करता मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। दी फॉर अ चेंज सारा ने अपने हाथ से बनाया, पी लें। मैडम का फेवरेट सूप है। ये लड़का कौन है? दादी ये आतिफ हैं। ये बिल्कुल मेरा जुनेद लग रहा है, वही आंखें, वही ना, वही बाल, मैं आपके जुनैद से ज्यादा हैंडसम। बातें भी बिल्कुल जुनैद की तरह है ना फ्लोरा? दादी आप आराम करें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लें, ये सूप पी लें। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। क्या बताऊं, बाहर इतनी गर्मी थी आज, जिस एरिया में गई वहां कहीं गाड़ी से बाहर उतरकर ज्यादा देर तक बातें करनी पड़ गई। कुछ देर बैठी भी वहां के लोगों के साथ, ओल्ड एज होम में थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो डिहाइड्रेशन सी फील हो रही है। अब इतना रोजा लग रहा है मुझे, गले में तो जैसे कांटे चुभना शुरू हो गए हो। भाई तुम्हें किसने कहा था इस गर्मी में निकलने को? मैं क्या करती जुनैद, वहां जाना भी बहुत जरूरी था। बेचारी लावारिस औरतों का ओल्ड एज होम था, ना जाती तो भी अजीब लगता,
कितनी अजीब सी हालत में थी वो सब, खस्ता हाल, गंदे कपड़े, बस उनमें से कुछ तो इतनी अजीब और गरीब बातें कर रही थी, पता है मुझे अपनी बेटी समझने लगी और ये कहने लगी कि तुम हमें यहां से ले जाने के लिए आई हो ना। बेचारियां बेसाख्ता मेरी तरफ बड़ी और चिपकना शुरू हो गई, मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन खैर अभी जाकर नहाऊंगी, अजीब सी हालत में थी सब। हाँ भाई, और तुम क्या लेके गई थी वहां? बस जुनैद, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, काफी चीजें तकसीम की मैंने, जैसे कि फल, जूस के डब्बे, दूध के डब्बे वगैरह, और कपड़े भी दिए कुछ को। उनमें से कुछ रोजेदार थी मगर जिनकी उम्र ज्यादा थी उन्होंने रोजे नहीं रखे हुए थे। मैंने वहां की एडमिनिस्ट्रेटर से ये कहा कि आप इन सबको भी कम से कम तिलावत कुरान के लिए कुछ सिपारे ही दे दिया करें, एटलीस्ट अगर इस महीने में ये सब इबादत में लगेंगी तो इनके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अब न जाने कितनी जिंदगियां बची हैं सबकी। हाँ, इसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। और तुम नहा के जरा रेस्ट कर लो, तबीयत ना खराब हो जाए कहीं तुम्हारी। जुनैद, आपको पता है कि जब मैं गाड़ी में जाकर बैठी तो एक औरत जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई मेरे साथ। मुझे लग रहा था शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, बहुत बहकी बहकी बातें करने लगी कि प्लीज मुझे ले जाकर मेरे बेटे से मिलवा दो, उसके बच्चों से मिलवा दो, मगर मैं क्या कर सकती थी। बड़ी मुश्किलों से अमजद ने उसे बाहर निकाला कि माँ जी, आपका बेटा आ जाएगा, मिल लेगा आपसे, मगर वो कन्विंस ही नहीं हो रही थी। समझ से बाहर है कि किस तरह औलादें अपनी बेसहारा और मजबूर माओं को ऐसे फेंक देते हैं दूसरों के सहारे। अजीब हो गई आजकल की औलादें, तरस भी नहीं आता अपनी माओं पर। खैर, आतिफ नहीं नजर आ रहा, कहाँ है वो? मैं जाकर देखती हूँ। मैं अभी मम्मी के कमरे से आ रहा हूं। इस कदर स्टिंग कर रहा है उनका कमरा कि वहां बैठना दुश्वार हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है फ्लोरा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। हम सब नमाजी हैं, पाकी नापाकी का ख्याल तो करना चाहिए ना आपको। मैंने बार बार तुम्हें समझाया फ्लोरा कि मुझे कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। रुखी आज ओल्ड होम गई थी, बताया उसने मुझे वहां के हालात। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप इस तरह गंदगी में रहे। आप जानती हैं मम्मी को डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है नींद के, उनके डायपर तो टाइम पे बदल दिया करें। इतनी सी जिम्मेदारी तो इंसान इंसानियत के नाम पर ही निभा लेता है। आपको तो फिर भी हम बहुत हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं, मुंह मांगी तनख्वाह दे रहे हैं हम आपको, फिर भी आपको ख्याल नहीं है। हैरत हो रही है, अगर आज मैं मम्मी के कमरे में ना जाता तो ना जाने कब तक वो इसी हाल में पड़ी रहती। अस्तग़फ़िरुल्लाह। फ्लोरा, अगर हम इन ताक रातों में मम्मी डैडी को जाके खुद नहीं देख पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी अपनी ड्यूटी से लापरवाह हो जाएं। सर, कल मैं चर्च गई थी फादर से दुआ करवाने के लिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डायलिसिस पर है वो। मेरे भाई को मेरी माँ की कोई परवाह नहीं, मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं सर, वो सरकारी अस्पताल में पड़ी है। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है सर। ओहो, आप मुझे बताती सरकारी अस्पताल में क्यों पड़ी है? उन्हें अपने भाई से कहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, मैं दूंगा इलाज का पैसे। थैंक यू सर। फ्लोरा, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने भाई से मेरी मोबाइल पर बात कराएं। वैसे भी बेटों की जिम्मेदारी पहले होती है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गॉड ब्लेस यू सर। अच्छा फ्लोरा, आप जाएं। बड़े डिस्गस्टिंग, इतने बुरे हालात हैं माँ बाप के। कोई सेकंड ऑप्शन भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। हाय अल्लाह,
ईद से पहले? बेबे तुझे क्या हो गया, ईद से पहले मैं इतनी रकम कैसे भेजूंगी? हैं बताओ जरा, यहाँ के दरख्त पे उगते पैसे जो तुझे भेज दूं? बेबे मैं एक साल भी नौकरी करूँ ना और इधर उधर से उधार पकड़ू तो भी मैं इतने पैसे नहीं भेज सकती। अरे तेरा दिल क्या डूबा जा रहा है, यहाँ तो मेरी हालत बुरी हुई हुई है। पता है बेबे मैंने 21 रोजे रखे हैं, 21 रोजे, इतना चुई जितना मेरा मुंह निकल आया है, पीला पटक मेरा रंग हो गया है, काम नहीं कर सकती, सूख के कांटा हो गई हूँ, इधर गिरती हूँ उधर गिरती हूँ चक्कर खा के। हाँ डॉक्टर बताओ जरा, तुमने मुझे कम काम दिया है ये पैसे भरने का जो मैं डॉक्टर पे जाऊं? ठीक है फिर, सही है, कर लो फिर जो समझ में आता है। आज के बाद मैंने फोन मांगा ना तो मुझे साफ साफ मना कर देना है। तो सर परवीन, तूने ही जिद करी थी कि बेबे से बात करनी, तेरा दिल खराब हो रहा था। तो मैं भी तो पागल हूँ ना, स्यापा मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब बेबे का ना प्यार मेरे अंदर जाग जाता है। इनसे बात करके कौन सा मुझे सुकून मिलता है? कह रही है ईद से पहले सारे पैसे भेज दो, फिर ही अकरम को जवाब देंगे, वो दुबई से आने वाला है ना। कह रही है अगर रकम के पैसे दिए ना तभी ना वो रिश्ता कैंसिल करेंगे मेरा उस दुबई वाले को। आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी रकम कोई ईद से पहले जमा कर सकता है? पता है बाले मेरी ना टांगे कांपने लग जाती हैं इतने पैसों का सोच कर कि ईद से पहले मुझे इतने पैसे भरने। भला कहां की इंसानियत है। बस बस ज्यादा ना आपने तरफदारी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा ना, आप क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ना कि बेबे है बेचारी है गरीब है, वॉशरूम में छत दिलवा ली ना, उनको कोई चील का वो नहीं उठा के लेके जाना था, इस उम्र में सोने के कड़े चढ़ा के बैठ गई है वो। कौसर परवीन मैं तो ये कह रहा था। पता है मुझे जो आप कह रहे थे। अरे मैं तो ये कह रहा था कि इफ्तार का वक्त होने वाला है, तुम एक काम करो अंदर जाओ और इफ्तारी लगाओ, और हाँ खादिम चाचा को और अमजद को भी बुला लो। हाँ ये दिखा ना सारे काम भूल जाती हूँ, बेबे के फोन घर के काम, अब रफ्तारी लगाना भूल गई। कहाँ रुक पहुंचती हैं आप, अफतारी के मेज पे तो आपके वारंट जारी हुए हुए थे, खबर गरम थी कि आप कुछ पकोड़े चुरा के भाग गए हैं, आपकी तलाश जारी थी। क्या कोई खास चीज बनवाई थी जो सबसे चुपके अफतारी हो रही है? देखूं तो सही क्या बना है। बस दिल नहीं कर रहा सबके साथ बैठने का, जिन्हें दादी के कमरे से बदबू आती है, कैसे दादी से कराहियत महसूस करके उनसे दूर होके मस्जिद की सफाई को चले गए, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप हैं ज़्यादा। वो माँ बाप जो अपने माँ बाप से बेखबर ला तालुक है, और वो जिन्होंने अपने बूढ़े वालिदैन को मुलाजमों के हवाले करके अपने फर्ज से सुबकदोश होके इबादत के फराइज निभा रहे हैं, लेकिन अपनी हर कमी अपनी हर गुमराही और कोताही के बावजूद वो तुम्हारे माँ बाप हैं ज़्यादा। तुम्हें उनको उनकी कोताहियों उनकी कमियों से भेद कबूल करना है, अपने सख्त मिजाज और अपने रवैये के बावजूद वो माँ बाप हैं तुम्हारे, तुमसे मोहब्बत करते हैं। देखो हम अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस उम्र में कि वो चेंज हों, हमें अपने आप को बदलना है। और देखो तुम अपने माँ बाप के साथ वो नहीं कर सकती हो जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ बैठी? तुम्हारी वही भीनी भीनी सी फूलों जैसी खुशबू, बस उसी का सिरा पकड़ के आ गया। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन यूएस में तुम्हारी याद और तुम्हारी खुशबू दोनों साथ आए थे, तब नाराज थी तुम मुझसे, ना मेरा फोन अटेंड करती थी ना मेरी ईमेल्स का जवाब देती, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी खुशबू उस वक्त भी मुझसे नाराज थी, तब भी वो
मेरे शब रोज महकाए रखती थी और आज भी यही हाल है। तुम्हें पता है कि तुम सात पर्दों में भी छुप जाओ ना तो तुम्हारी ये भीनी भीनी खुशबू सब पर्दे उठा दे। मैं जानता हूं जारा कि मुझे माफी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इस चीज का अंदाजा भी है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। बीच राह में जो छोड़ दिया था मैंने तुम्हें, मुझसे तो नफरत करने का भी हक नहीं है तुम्हें जारा, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे से। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने अमेरिका चला गया। सब कुछ तुम्हारे सामने है, कितनी मुखालफत थी मेरे साथ, कितना प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे तो मुझे अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें किस चीज की श्योरिटी देता जारा? मैं तुम्हें क्या बताता? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ खुश भी रह सकोगी कि नहीं रह सकोगी। मैं क्या करता बताओ मुझे? ये तुम्हें तब मालूम क्यों नहीं था जब तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे? तब अचानक यहाँ से जाकर तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला, तब तुम्हें ख्याल आया कि तुम कितने नॉन सीरियस हो, तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हुई और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम US जा रहे हो और 4 साल तक पलट कर मेरी खबर भी नहीं ली। और आज मेरे सामने बैठकर तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो, और ये भी कहने के लिए कि तुम बेशक मुझे माफ ना करो, मुझसे नफरत करो, मेरा एतबार ना करो, लेकिन प्लीज प्लीज हाशिम से शादी मत करो। क्यों नहीं करूं मैं हाशिम से शादी? इसलिए कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती हो। तुम इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। प्लीज मेरी बात मान लो, तुम हाशिम देखो चारा, तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे गिला करो, मुझसे शिकायत करो, मुझसे बदला लो, सब कुछ करो। नफरत करने का हक है तुम्हें, लेकिन खुदा के लिए अपने आप से बदला मत लो सारा, मत बदला लो अपने आप से। एक बार मैंने तुम्हारी खुशियां छीनी थी और अब तुम खुद अपनी खुशियां छीन रही हो, और मैं ये नहीं होने दूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। आज कामरान आ रहा है इफ्तार पे, अजीब लगेगा उसको फेस करना। क्या सोचा था और क्या हो गया? पोपी, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब जो भी मसला है तुम मियां बीवी को खुद सुलझाना चाहिए। बात करने वाले